अचानक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का हुआ निधन। राहुल सोनिया का रो रो कर हुआ बुरा हाल। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ध्रुव नारायण का शनिवार को कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। ध्रुव नारायण चामराजनगर से दो बार सांसद रहे थे। वह राज्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। TRMS अस्पताल की चिकित्सकों ने कांग्रेस नेता की मौत की पुष्टि की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ध्रुव नारायण को मैसूर में दिल का दौरा पड़ा। वह पुराने मैसूर में पार्टी का आयोजन कर रहे थे। उनकी मौत पर सांसद प्रताप सिंह ने शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि इतने अच्छे इंसान को भगवान ने छीन लिया। ओम शांति। वहीं कर्नाटक कांग्रेस ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद एवं KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष ध्रुव नारायण का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। मृतक की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ध्रुव नारायण चामराजनगर के कद्दावर नेता माने जाते थे। वह पुराने मैसूर के प्रभावशाली दलित नेता थे। वह अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वह सांसद के अलावा विधायक भी चुने गए। इस बार वह नंजनगुड्डू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।